हेलो एवरीवन, टुडेज टॉपिक इज मोटिव्स। व्हाट इज मोटिव? मोटिव इज द मोस्ट बेसिक यूनिट विद द हेल्प ऑफ व्हिच अ डिज़ाइन और अ कंपोजिशन इज मेड। मोटिव क्या है? मोटिव एक छोटी यूनिट है किसकी? पैटर्न की, और यू कैन से डिज़ाइन की, जिसकी हेल्प से एक पर्टिकुलर डिज़ाइन या फिर एक पर्टिकुलर कॉम्पोजिशन बनता है। मोटिव एक सबसे छोटी यूनिट है। एज यू कैन सी, मैंने यहाँ पर एक पेजले बनाया है, एक पेजले। आप अगर मैं हिंदी में बात करूँ, मोटिव का मतलब होता है, आप कह सकते हो फिगर, आकृति, बूटा, ठीक है। तो मोटिव, मैंने यहाँ पे पेजले बनाया है, उसका पैटर्न, जस्ट लाइक आप ये देख सकते हो, इस पैटर्न में मैंने इस मोटिव में रिपीटेशन किया है, हल्की हल्की पेटल्स का या फिर ये फ्लावर के पेटल्स का। उसके बाद यहाँ डिज़ाइन, डिज़ाइन मीन्स ओवरऑल प्लेसमेंट, मीन्स आप इस पर्टिकुलर पैटर्न को कैसे प्लेस कर रहे हो, दैट इज़ कॉल्ड डिज़ाइन। आपको मैं एक सैम्पल भी दिखाती हूँ, ये देखिए, ये एक पेजले का मोटिव है और ये पेजले के मोटिव के अंदर पैटर्न क्रिएट किया गया है, इसको पैटर्न की तरह, ठीक है। अब इस पैटर्न को मैं आपको दिखाती हूँ, जैसे कि आप ये देख सकते हो, इस कोई भी एक्स वाई जेड जब भी एक पैटर्न तैयार किया, उसको कैसे पूरे फैब्रिक में प्लेस किया, दैट इज़ कॉल्ड डिज़ाइन, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। मोटिव्स आर रिपीटेड इन डिफरेंट वेज, मोटिव्स को अलग अलग तरीके से रिपीट किया जाता है टू क्रिएट पैटर्न, एंड दीज पैटर्न्स आर रिपीटेड टू क्रिएट अ डिज़ाइन। फिर इन पैटर्न्स को रिपीट किया जाता है टू क्रिएट व्हाट? अ डिज़ाइन, दिस इज कॉल्ड डिज़ाइन। नाउ द टाइप्स ऑफ मोटिव, फर्स्ट इज ज्योमेट्रिक मोटिव। ज्योमेट्रिक मोटिव्स, आप ये देखिए कितने सारे ज्योमेट्रिक मोटिव्स हैं, आप इनमें से कोई भी एक बना सकते हो, इवन आपको जो और अच्छा लगे वो आप बना सकते हो। ज्योमेट्रिक की बात करें तो ज्योमेट्रिक आप लोगों ने फिगर्स पढ़ी होंगी ड्यूरिंग स्कूल डेज, रेक्टेंगल, ट्राइंगल, सर्कल, इनकी हेल्प से कुछ डिज़ाइंस जो बनते हैं, कुछ मोटिव्स बनते हैं, वो हैं ये, ठीक है। तो इन पर्टिकुलर मोटिव्स को, जो कोई भी मोटिव जो पॉइंटेड हो उसको ज्योमेट्रिक बोलते हैं, जिसमें पॉइंट्स हो उसको ज्योमेट्रिक बोलते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा आता है स्टाइलाइज्ड मोटिव। दिस टाइप ऑफ पैटर्न इज कॉल्ड स्टाइलाइज्ड पैटर्न। अब स्टाइलाइज की बात करें, अब जब आपको मोटिव बनाना है तो आप ये पूरा नहीं बनाओगे पैटर्न की तरह, आप सिर्फ क्या बनाओगे, एक ये छोटा सा पार्ट मोटिव के लिए। एज आई टोल्ड यू, मोटिव इज द मोस्ट बेसिक यूनिट, तो आपको एक छोटा सा पार्ट ही बनाना होगा मोटिव के लिए। जब हम बात करते हैं स्टाइलाइज्ड की, तो स्टाइलाइज्ड मीन्स जो एक स्टेंसिल की फॉर्म में जो फिगर बनी होती है, दैट इज कॉल्ड स्टाइलाइज्ड मोटिव। जो ब्रोकन, हर एक पेटल आप देख सकते हो, हर एक पेटल अलग अलग ब्रोकन पार्ट्स में बनी हुई है, उसको बोलते हैं स्टाइलाइज्ड मोटिव। नेक्स्ट इज एब्स्ट्रैक्ट मोटिव। एब्स्ट्रैक्ट बेसिकली मीन्स इमेजिनेशन, वो इमेजिनेशन जो रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं करती। अब यू कैन सी द एग्जाम्पल, इस पर्टिकुलर चीज़ को हम एब्स्ट्रैक्ट आर्ट बोलते हैं। एब्स्ट्रैक्ट आर्ट सिर्फ एक इमेजिनेशन होती है जो कि रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं करती। आप एक एग्जाम्पल भी ले सकते हो एब्स्ट्रैक्ट आर्ट का, जस्ट लाइक ट्री में कलरफुल लीव्स आ रही हैं, आपने एक इमेजिन किया कलरफुल लीव्स, दैट इज़ नॉट पॉसिबल कि हर एक लीव का कलर अलग अलग एक किसी भी ट्री में आए, दैट इज़ नॉट एट ऑल पॉसिबल। तो बेसिकली एब्स्ट्रैक्ट मीन्स इमेजिनेशन, ठीक है। हमारा नेक्स्ट मोटिव आता है फ्लोरल मोटिव। फ्लोरल मीन्स फ्लावर, तो ये होते हैं फ्लोरल का, ये पैटर्न दिखा रही हूँ मैं, लेकिन आप जब शीट पर ड्रॉ करेंगे एक इसका इतना सा ही पार्ट ड्रॉ करेंगे, दिस इज पैटर्न। एंड जिस तरीके से ये पूरे फैब्रिक में प्लेस किया जाता है उसको बोलते हैं डिज़ाइन। आपको मोटिव ड्रॉ करना है तो इट मीन्स आपको सिर्फ इतना सा पार्ट एक ड्रॉ करना होगा, ठीक है, दिस इज कॉल्ड फ्लोरल मोटिव। फ्लोरल मीन्स फ्लावर। नेक्स्ट इज नर्सरी मोटिव। नर्सरी मोटिव मीन्स
जो कि किड्स गारमेंट में होते हैं, द काइंड ऑफ मोटिव यूज्ड इन किड्स गारमेंट। आप ये देख सकते हो, ये सब किड्स